जालौन से है, जहां पर भारतीय किसान संघ के प्रांतीय अध्यक्ष साहब सिंह चौहान की अगुवाई में अपने जिलाध्यक्ष और तमाम पदाधिकारियों के साथ मिलकर जिलाधिकारी को संबोधित 6 सूत्री ज्ञापन मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र कुमार को सौंपा गया है। आपको बता दें कि भारतीय किसान संघ के दर्जनों पदाधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान नेता साहब सिंह चौहान ने 6 सूत्री मांगों को लेकर CDO को ज्ञापन देते हुए बताया कि किसानों को निजी नलकूपों के ट्रांसफार्मर देने के नाम पर परेशान किया जा रहा है और खाद्य क्रय केंद्रों पर समय से नहीं पहुँच रही तथा किसानों को सिंचाई है तो 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, तो वहीं किसानों के खातों में आने वाली सम्मान निधि व अनुदान की राशि की निकासी बैंक कर्मियों द्वारा रोकी न जाए और पराली और खेतों में खरपतवार को जलाने की अनुमति न दी जाए। जिन किसानों को खरीफ की फसलों अधिक वर्षा के कारण नष्ट हो गई हैं उन्हें समय से मुआवजा दिलाने की भी मांग की गई है। बुंदेलखंड के अत्यधिक असहाय वर्षा होने के कारण किसानों की पकी फसलें नष्ट हो, खेतों में जल भरा होने किसानों को भारी नुकसान। ऐसी स्थिति में किसान के पास खेतों में जल निकासी फसल बुआई के लिए कोई पर्याप्त साधन नहीं है। DAP खाद की पूर्ति तय मूल्य 1350 रुपए से अधिक मूल्य पर 1500-2000 तक की अदा करना पड़ रहा है, जो कि न्यायोचित नहीं। इसलिए भारतीय किसान से अपनी मांग करता है कि निस्वार्थ रूप से प्रत्येक किसान क्षतिग्रस्त फसल का सर्वे कराकर शीघ्रता से मुआवजा दिलाया जाए, संबंधित अधिकारियों के मौके पहुंचकर समस्या का समाधान करने की जवाबदेही निश्चित की जाए। सिंचाई हेतु नहरों की सफाई कराकर तेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था कराई जाए। मूंगफली, तिल, उड़द, धान के क्रय केंद्रों पर खरीद हेतु क्रय करने की प्रणाली को पारदर्शी बनाकर किसानों की फसल क्रय करने हेतु MSP द्वारा सूचित किया जाए। सभी गौशालाओं में CCTV कैमरे लगवाकर उचित प्रबंधन के लिए जिसका कंट्रोल रूम के जिला में स्थापित हो, ये तो हमारा है आपको मुख्यमंत्री। दूसरा, हमारे जिले में जो है निजी नलकूपों के ट्रांसफर शासन के अनुसार चौबीस के लिए जो है वो शासन प्रशासन उसको व्यवस्था करे तो मतलब हम लोगों की समस्याओं को, क्योंकि हम लोग जो है गरीब किसान, छोटे किसान हैं, 10 एकड़ के हैं, 5 एकड़ के हैं, ना हम कोई यंत्र खरीद सकते हैं, ना 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर खरीद सकते हैं उसको चलते हैं। इसलिए शासन प्रशासन अगर कोई समस्या है तो शासन प्रशासन इसको जो है निराकरण कराए, लेकिन किसानों के ऊपर कोई जो है कार्रवाई न हो इसके लिए। जालौन से वीरेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।